सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बकरे का मगज यानी कि ब्रेन बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह क्या करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि बकरे का मगज बनाने के लिए हमें कौन से जो है चीजें दरकार होंगी। उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने दो मगज लिए हैं, ये बकरे के। इसके बाद एक पतीली में पानी, पानी की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से कम ज्यादा ले लेना। मैंने इसको हाफ पतीली लिया है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में दिखा दिया है। इसके बाद नमक हस्बे जरूरत मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच साबुत जीरा, एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, एक दरमियानी साइज की प्याज को हमने फाइन चॉप कर लिया है, 1/4 जो टेबलस्पून है वो हल्दी का लेना है सालन में डालने के लिए, एक चम्मच जो है वो हमने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, और इसके साथ आप दोबारा से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने हल्दी ली है। ये हल्दी जो है वो तकरीबन 1/4 चम्मच है, 1/3 स्पून। इसको हमने क्या करना है, ये वाली हल्दी सालन पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमने हल्दी है वो इसलिए भी इस्तेमाल करनी है कि हल्दी से जो है वो मगज में हल्की सी वो जो गोश्त की स्मेल होती है वो इस हल्दी की वजह से खत्म हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पतीली लेंगे, पतीली के अंदर मगज, मगज के साथ जस्ट हल्दी, ये वाली क्वांटिटी। चलिए अब पतीली में हम हल्दी ऐड करेंगे और इसके साथ ये मगज जो है वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, पतीली के अंदर हमने हल्दी जस्ट ऐड की और मगज डाला है, और फिर ये अब हमने कवर करके पकने के लिए चूल्हे पर रख देना है। आपने याद रखना है इसे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक जो है वो अपने मैक्सिमम मगज को पकाना है। जब ये पक जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पानी को छलनी में, जो इसका मगज और पानी है उसको छलनी में डालकर पानी अलग कर देंगे और सिर्फ मगज यानी गोश्त जो है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो भी इसका बॉयल वाला वाटर होगा वो उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। चलिए अब इसको धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, ये देखें अब ये 15 मिनट के बाद जो है वो थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारा जो मगज है वो भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको एक छलनी की मदद से मगज अलग और पानी अलग, चलिए इसको छान कर जो है वो अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है वो छलनी जिसका मैं आपको कह रही थी, और नीचे मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर आपने क्या करना है, बड़े ख्याल से एहतियात के साथ, इट्स वेरी हॉट, ये देखें जो सारा मगज है वो निकाल लेना। अब कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से पानी है वो अच्छे से जो है वो निचोड़ ले। अब जब तक इसको हम छोड़ते हैं कि ये अच्छे से जो है वो पानी इसमें से जो है वो निकल जाए, ये देखिए पानी हमने अलग कर लिया है, तब तक हम क्या करेंगे, एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। ऑयल लेने के बाद उसमें प्याज डालकर अदरक लहसुन एज पर रूटीन जो है वो हम इसको अंडे की तरह पकाएंगे। अब आपने याद रखना है ये मगज ऑलरेडी गल चुका है, अब हमने इसको क्या करना है, जस्ट कुक करना है, लाइट से प्याज को सोटे करेंगे। चलिए आप सबसे पहले प्याज लेते हैं पतीली में, इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो नियर टू 2-3 स्पून जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे खाने वाले। ये ऑयल देखें जी मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। ये हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी है, प्याज को जस्ट हमने 1-2 मिनट जो है वो सोटे करना है, लाइट गोल्डन करना है, और इसके अंदर फिर जो है हम अपना अदरक लहसुन नमक मिर्च हर चीज जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें जी प्याज को जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेगा फिर हम बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे।
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो जीरा ऐड करेंगे, ये सारा। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बस हमने इसको 1 से 2 मिनट जो है वो हल्का सा भूनना है। मगज जो है वो हमारा गल चुका है, जस्ट हमने क्या करना है इसको भूनना है ताकि ये अच्छे से इसमें हर चीज मसाला मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक, अब ये मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये अपने हाथ की मदद से जो है वो सारा मगज इसमें से निकाल लेना। ये इस तरह से हम सारा जो है मगज निकाल लेंगे। ये ऊपर आपको हड्डी ज्यादा लग रही थी, अंदर से ये थोड़ा सा बिल्कुल अंडे जितना निकलता है। ये देखेंगे इतना सा जो है वो सारा मगज निकला इन दोनों में से। अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब हम इसके अंदर जो मगज है ये इसको शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें हमने ना टमाटर ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप टमाटर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा तुश टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको हमने जस्ट 1 से 2 मिनट तक जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसको डिश आउट करके गार्निश करेंगे। लें जी, अब हमारा जो मगज है वो पककर तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट पर इसको जस्ट डिश आउट करके गार्निश करेंगे। यह देखें व्यूअर्स, मैंने बकरे के मगज को जो है वो डिश आउट कर ली है। अब मैं इसको हरी मिर्चों के साथ जो है वो गार्निश कर रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारी आज की ये जो वीडियो है कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो एंड होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।